ऑफिशियली हर बिल्डिंग में पत्रा लगा हुआ होता है, फिर हमारी बिल्डिंग पे कार्रवाई क्यों? कार्रवाई करना तो सारे मुमरा कौसा की बिल्डिंग पे कार्रवाई करें, इंसाफ से चलिए, बेईमानी मकारी ये सब चीज नहीं चलेगी। आप इंसाफ परस आदमी हो, इंसाफ करो, ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा, जुल्म ही दादागिरी हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पत्रा लगाने की परमिशन दे। आप कितने वर्षों से यहाँ पे रह रही हैं? हम लोग तो अभी 4 महीना हुआ, अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर। किस तरह की परेशानियाँ हो रही हैं आपके, ये जो शेड तोड़ा गया है, और किस बात को लेकर के यहाँ कार्रवाई की गई? कि घर बन रहे हैं ऊपर, पहले ही तो कार्रवाई करके चले ही गए थे ना उन लोग, छपड़ा लगाने के लिए हम लोग नहीं बोले, क्योंकि हम लोग को तकलीफ पड़ेगी ना, बारिश में पानी आएगा घरों के अंदर तकलीफ। फिर उसके बाद में भी हम लोग ऊपर आके उनको इतनी मिन्नतें किए कि मत तोड़ो ये मत तोड़ो, बोले नहीं परमिशन लेने का था, बोले परमिशन लिए ले, सुन ही नहीं रहे, छपड़े तोड़ दिए। और फिर उसके बाद में दुनिया की तकलीफ हुई बारिश में, पूरे घर भर गए, बैठने का ठिकाना नहीं, बच्चों को रात भर मांडी पे लेके बैठे, यही सब तकलीफें हुई है। जैसा कि आप बता रहे, आप 4 महीने से रह रहे हो आप लोग, और बाकी की हमें यहाँ पर 3 साल हो गई, 3 साल से पहले मतलब इससे पहले पत्रे डले थे, कोई पानी नहीं गिरता था, कुछ नहीं। अभी ये लोग पत्रे तोड़ के चले गए, हमारे घर में पानी गिर रहा है, हम लोग सोने लेटने बैठने से परेशान हैं, हम इतने परेशान हैं, कहाँ जाए बच्चों को लेके, आप बताइए। जिस तरह से यहाँ पर जो रूम बन रहे थे उस पर कार्रवाई की गई है, तो अगर कार्रवाई सिर्फ रूम पे की गई है तो सेट पे की गई है, तो आप लोग सेट रोकने के लिए आप लोगों ने उनसे मिन्नतें की थी क्या? कोई सुनने को रेडी नहीं थे, कोई तैयार नहीं थे, भगा रहे थे, सब थोड़ा बोल कर रहे थे, से बात कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, भगा रहे थे, वो भी भगाती है, भगा जाओ जाओ निकलो निकलो निकलो। किस तरह का प्रशासन से, बस हम यही चाहते हैं कि ये जो ऐसे पत्रे डले थे वैसे ही डल जाना चाहिए, जो हम लोग अभी तो बारिश की शुरुआत है, अभी पूरा 4 महीना कैसा नहीं बारिश, हम कहाँ जाए अपने बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चे हमारे। अच्छा, नीचे जो 8 माले पे जितने लोग रहते हैं वो आप लोग ही हो? हम ही लोग हैं। हाँ। तो सिर्फ आप लोगों के ही घरों के अंदर बारिश का नहीं, नीचे भी जा रहे हैं, 7 माले पे भी जा रहे हैं, 7 माले वो रहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मेरा नाम सानिना, लेकिन अभी मैं 7 साल 8 साल से रही, कभी तकलीफ नहीं था, लेकिन अब की बार बारिश में इतनी पानी जा रहा है कि मतलब जो इंसान अगर पुराना खास कभी लाइट चली गई तो लीक से जाना आना रहेगा, तो कैसे जाएंगे, सीढ़ी से आएंगे ना, अगर बच्चों लोग का चाहे बड़ों का किसी के हाथ पर फ्रीचर होगा तो फिर क्या करेंगे। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जैसे पत्रा पहले था वैसे ही लग जाए, ताकि किसी को ये तकलीफ ना हो। जैसे कि ये बिल्डिंग के जो बिल्डर है उनसे आपने बोला है कि बिल्डिंग के शेड को लेकर कुछ बात हुई आपकी, ये बिल्डिंग के शेड को लेकर बिल्डर से? नहीं नहीं हुई थी, लेकिन ये लोगों ने नहीं सुनी, म्युनिसिपैलिटी वाले मतलब किसी का वो नहीं सुनी। बिल्डर तैयार है? कितनी बार ये सेट तोड़ा गया है? कितनी बार ये सेट तोड़ा गया है? मतलब दो बार तोड़ा गया है। लेकिन दो बार तो हम लोग नहीं तो मिलके बोले ना, सब पूरे बिल्डिंग वाले लोग बोले ना, छपड़ा चढ़ाने के लिए तकलीफ होगी, इसके लिए हम लोग ने बोले, तो बोलते परमिशन नहीं लिए, बोलते मतलब अभी तो कोई घर नहीं बन रहा था, सिर्फ पत्रे ही डल रहे थे, लेकिन वो पत्रे भी तोड़ के चले गए, अभी कोई घर नहीं बन रहा, हम लोग उधर पे ही खड़े थे, दोबारा में जो पत्रे डाले गए। क्या कहेंगे भाई, आपका भी 8 माले पर रूम है और आपके कहने अनुसार सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको ही हुई है? मेरा नाम अशरफ है, मैं 8 माले पे 8 साल से रहता हूँ, यहाँ पे जब कार्रवाई हुई थी पहली बार हुई थी, ठीक है रूम बन रहा था, लेकिन अभी जो शेड हमारे रिक्वेस्ट पे बिल्डर ने लगाया, उसके बाद सालों के साहब के अधिकारी लोग आए, उन्होंने कार्रवाई की है, जितनी महिला यहाँ खड़ी है सारी की सारी आके रिक्वेस्ट की है कि साहब हमारे बाल बच्चे, हमारे घर में पानी बहुत आ रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ, टीवी फ्रिज इन्वर्टर पंखे ट्यूबलाइट सारा का सारा उड़ गया है, तो हमारी सालों के साथ से रिक्वेस्ट है और प्रशासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप पत्रे का शेड ना तोड़े, लगाने की परमिशन दे, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ हमको है, हमारा कितना नुकसान हुआ आपको मालूम है। सालों के सर से मेरी रिक्वेस्ट है, ऑफिशियली हर बिल्डिंग में पत्रा लगा हुआ होता है, फिर हमारी बिल्डिंग पे कार्रवाई क्यों? कार्रवाई करना तो सारे मुमरा कौसा की बिल्डिंग पे कार्रवाई करें, इंसाफ से चलिए, बेईमानी मकारी ये सब चीज नहीं चलेगी। आप इंसाफ परस आदमी हो, इंसाफ करो, ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा, जुल्म ही दादागिरी हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है
क्या आप लोग पथरा लगाने की परमिशन दे? क्या मुंद्रा के अंदर जो इनलीगल बांधकाम चल रहे उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? वो तो हर जगह हो ही रहा ना सर, आज अपनी अपनी मंजे पूरे क्या इसी चल रहा है, हर जगह काम हो रहा है। मैं 50 जगह बताऊ अभी भी कारोबार हो रहा है, ये व्यापार चल रहा है, लेकिन हमारे ऊपर ही जुल्म क्यों? अरे हम लोग परिवार लोग हैं, मैं 8 साल से रहता हूँ यहाँ, ये हमारे ऊपर इतना अन्याय क्यों? हमारे को इंसाफ चाहिए, पथरा लगा के दो हमको। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.